India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट के कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले पेश है सुर्खियां। किसानों पर लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों के पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में किया स्वीकार। स्वतः संज्ञान लेकर अब होगी सुनवाई। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई एसएलपी। पशु क्रूरता निरोधक नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो टूक सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जानवर लोगों की आजीविका के स्रोत है, इसे इस तरह छीना नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कानून बदलने का दिया इशारा। श्रीनगर की अदालत ने अभियुक्त के पक्ष में की अहम टिप्पणी। कहा एक अभियुक्त व्यक्ति भी मौलिक अधिकारों का है। वहीं मीडिया की आपत्तिजनक रिपोर्टिंग पर उठाए सवाल। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। किसानों पर लाठीचार्ज मामले पर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों के पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर भी इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि छात्रों की चिट्ठी में हरियाणा सरकार पर किसान प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है, जिसमें कथित तौर पर पुलिस की ज्यादती और दिल्ली सीमाओं के पास प्रदर्शनकारी किसानों की अवैध हिरासत की जांच की मांग की गई है। पंजाब विश्वविद्यालय के 35 छात्रों द्वारा लिखे गए एक पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने शांति से विरोध करने के किसानों के संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए प्रतिशोधी अत्याचार और सत्ता का असंवैधानिक दुरुपयोग किया है। यह आरोप लगाया गया है कि मीडिया ने शांतिपूर्ण आंदोलन को अलगाववाद के साथ जोड़कर ध्रुवीकरण कर दिया और दिल्ली पुलिस ने पानी की बौछारें, आंसू गैसों के गोले और लाठियों का नाजायज इस्तेमाल किया है। यहां तक कि कुछ किसानों को अवैध हिरासत में भी जेल में डाल दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक प्रदर्शन नागरिकों के जीवन और संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तब तक विरोध प्रदर्शन के अधिकार में कोई बाधा नहीं हो सकती है। पशु क्रूरता निरोधक नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो टूक सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि जानवर लोगों की आजीविका के स्रोत हैं, ऐसे इस तरह से छीना नहीं जा सकता है। वहीं यह धारा 29 के विरुद्ध है। मामला पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल पर उस वाहन को कब्जे में करने और पशुओं को गौशाला या गाय आश्रयों को भेजने से जुड़ा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने यह कहा है कि वो इस कानून पर रोक भी लगा सकती है। वहीं अर्जी में इस कानून को असंवैधानिक और अवैध करार देने की मांग की गई थी। पशुओं के जबरन परिवहन में इस्तेमाल पर उस वाहन को कब्जे में करने और पशुओं को गौशाला या गाय आश्रयों को भेजने को 2017 के नियम एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 2017 को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन पर सवाल उठाया है। सीजीआई एसए बोबड़े ने कहा कि कुत्तों बिल्लियों को छोड़कर बहुत से जानवर बहुत से लोगों की आजीविका के स्रोत हैं। आप इसे इस तरह नहीं छीन ले जा सकते। ये धारा 29 के विरुद्ध है। आपके नियम विरोधाभासी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि वो इन नियमों पर रोक लगा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जयंत सूद ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट बफेलो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 2017 के नोटिफिकेशन की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें अधिकारियों को मवेशियों के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को जब्त करने और पशुओं को गौशाला भेजने की अनुमति दी गई है।
जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जस्टिस एस ए बोबडे और बीआर गवई की पीठ ने याचिका पर केंद्र को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें दावा किया गया कि इस तरह का नोटिफिकेशन मूल कानून क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों से बाहर चला गया है। याचिकाकर्ता हैं दिल्ली के पशु व्यापारियों के संगठन। अर्जी में 23 मई 2017 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम नियम 2017 को असंवैधानिक और अवैध करार देने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा ये नियम कानून के विपरीत है, अगर सरकार प्रावधानों को नहीं हटाती है तो अदालत इसे रोक सकती है। हालांकि अदालत ने इस मामले को सरकार के वकील के अनुरोध पर 11 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा हम एक बात समझते हैं, पालतू जानवर नहीं पशु लोगों की आजीविका का स्रोत हैं। सरकार उन्हें गिरफ्तार करने से पहले उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए प्रावधान विपरीत है। केंद्र के वकील ने बताया कि सरकार ने नियमों को अधिसूचित किया है और ये जानवरों पर क्रूरता को रोकने और रिकॉर्ड पर साक्ष्य है। चीफ जस्टिस ने कहा कानून में संशोधन करें, धाराएं बहुत स्पष्ट हैं। दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति अपने जानवर को खो सकता है, नियम कानून के विपरीत नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से दलबल मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी गई है। पिछले दिनों झारखंड विकास मंच के सिंबल पर विधानसभा चुनाव 2019 में निर्वाचित होने के बाद बाबूलाल मरांडी भाजपा में पार्टी का विलय कर शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर तीन में से दो अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के दावे के आधार पर मामला संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल के अंतर्गत संज्ञान में लिया है और तीनों विधायकों के खिलाफ दल बदल के तहत नोटिस भी जारी किया था। साथ ही आपको बता दें कि मरांडी ने कैविएट दायर कर यह कहा है कि दल बदल मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर होने पर कोई भी अंतरिम आदेश देने के पूर्व बाबूलाल को भी सुना जाए। झारखंड का दल बदल मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर ये याचिका दायर की गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को इस मामले में राहत दे दी थी। अदालत ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा के न्याय अधिकरण में होने वाली सुनवाई को अगली तिथि तक स्थगित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। 13 जनवरी तक इनको अदालत में अपना जवाब दाखिल करना था। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत ने सिर्फ बाबूलाल मरांडी के मामले में सुनवाई का आदेश पारित किया था और यह विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में सुनवाई जारी रखे या फिर उसे भी रोक दे। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि बाबूलाल मरांडी से जुड़े मामले में स्पीकर के यहां होने वाली सुनवाई को स्थगित रखा जा रहा है। इस मामले में स्पीकर और राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी की ओर से स्पीकर की ओर से जारी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दल बदल मामले में 12 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है। इसके तहत अब दल बदल मामले की कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने पर बाबूलाल मरांडी का पक्ष भी सुना जाएगा। दरअसल चुनाव के बाद जेवीएम के नेता दो धड़ों में बट गया था। तीन विधायक में एक बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए थे, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए। इसके बाद पार्टी के विलय को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसी बीच विधानसभा स्पीकर ने दल बदल के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था और इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि संविधान में निहित प्रावधानों के तहत स्पीकर संज्ञान लेते हुए दल बदल मामले में नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और अभियुक्त के बुनियादी हक पर अदालत की एक अहम टिप्पणी आई है। श्रीनगर की मुंसीफ अदालत ने कहा है कि एक अभियुक्त व्यक्ति भी मौलिक अधिकारों का हकदार होता है। मीडिया के लिए उपलब्ध अभियुक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तिगत नागरिकों के अधिकारों की तुलना में अधिक ऊंचे पद पर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि कश्मीर स्थित मीडिया आउटलेट्स को 23 वर्षीय महिला के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोप व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकना चाहिए।
अभियुक्त की आजादी पर श्रीनगर की मुंसीफ अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि अभियुक्त व्यक्ति भी मौलिक अधिकारों का हकदार है और एक अभियुक्त और एक सामान्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच कोई अंतर नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और इस अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन शामिल है और यदि किसी व्यक्ति को बदनाम किया जाता है या उसके खिलाफ कोई अपमानजनक बयान दिया जाता है तो उसका परिणाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस प्रकार मीडिया को किसी भी अपमानजनक और मान हानिकारक सामग्री को प्रकाशित करने की अनुमति देने से न केवल वादी और उसके परिवार को बदनाम किया जा सकता है बल्कि निष्पक्ष जांच में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। न्यायाधीश शबीर अहमद मलिक ने कहा है, मीडिया को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है लेकिन यह अधिकार किसी व्यक्ति के अधिकारों से अधिक नहीं है। वहीं पार्टियों के कानूनी अधिकारों के साथ साथ वादी के मौलिक और कानूनी अधिकारों की तत्काल सुरक्षा करना न्यायालय का कानूनी रूप से बाध्य कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और इस अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीवन शामिल है और यदि किसी व्यक्ति को बदनाम किया जाता है या उसके खिलाफ कोई अपमानजनक बयान दिया जाता है तो उसका परिणाम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायालय के प्रतिवादियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे लिखित बयान दर्ज करने के लिए मीडिया संगठनों को समन जारी करने के अलावा सोशल मीडिया, इंटरनेट या समाचार पोर्टलों पर पहले से प्रकाशित किसी भी अपमानजनक और मान हानिकारक बयान या सामग्री के लिंक को निलंबित कर दें। कोर्ट इरजान कुंसूर खान द्वारा मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहा था जिसमें उनके वेब पोर्टल और सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को अपलोड करने से निषेधाज्ञा देने की मांग की गई थी जो कि सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता हाजीम कुरैशी ने दलील दी है कि प्रतिवादियों ने मामले के वास्तविक तथ्यों का पता लगाए बिना अपने वेब पोर्टल फेसबुक सोशल मीडिया पर समाचार अपलोड किया है। इससे वादी और उसके परिवार को बड़ी मानसिक पीड़ा और अपमान का सामना करना पड़ा है। आदेश में कहा गया कि यदि वादी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान नहीं किया जाता है तो प्रतिवादी की तुलना में उसे अधिक असुविधा होगी। यदि अंतरिम राहत दी जाती है तो इस तरह की सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में झुक जाता है और वादी को क्षति हो सकती है, बाद में इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट। अनुसूचित जनजाति और जाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि रिपोर्ट दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। कोर्ट ने आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने के आदेश देने से मना करते हुए पीड़ित पत्रकार से कहा है कि महज कुछ दिन की रिपोर्टिंग से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने जांच ठीक से नहीं की है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल इसीलिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट की गई है ये नहीं कहा जा सकता कि सीधे तौर पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये टिप्पणी कोर्ट ने पुलिस को उस विधायक को गिरफ्तार करने का निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा जिसने कथित तौर पर पत्रकार को धमकी दी थी। गूगलोत संतोष नाइक नाम के पत्रकार ने रिपोर्ट किया था कि पाटन चेरू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्य और उनके गुर्गे मुख्य सड़कों से सटी हुई बेशकीमती भूमि पर कब्जा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि रिपोर्ट से प्रभावित होकर विधायक ने याचिकाकर्ता को फोन किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, उसे और गाली गलौज की और उसकी जाति के नाम पर असभ्य तरीके से उसके साथ बर्ताव भी किया। उन्होंने शिकायत दर्ज की जिसके आधार पर विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 448, 504, 506 के साथ धारा 109 पढ़ते हुए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3 के साथ अपराध दर्ज किया गया। पत्रकार ने अपनी रिट याचिका में आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और रिपोर्ट किए गए अपराध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि केवल अपराध के पंजीकरण पर यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति पी नवीन राव ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए मुख्य है और हमारी समृद्ध संस्कृति में अंकित है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता इस अभिव्यक्ति का प्रतीक है, वही निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज का कोई अन्य। इन मूल्यों को सुनिश्चित करने और संरक्षित करने की आवश्यकता पर कोई दो राय नहीं है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में और इस तथ्य के संबंध में रिट याचिका को अपराध की रिपोर्टिंग के 4 दिनों के भीतर स्थापित किया गया है।
ये नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ने अपराध की जांच करने में परिश्रम से काम नहीं किया है और पांचवें प्रतिवादी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। अदालत ने कहा है कि स्तर पर ये समय से पहले होगा कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने में देरी को शक्ति का दुरुपयोग या उनके कर्तव्य का दुरुपयोग ठहराया जाए। अदालत ने अपने परिवार और संपत्ति के लिए याचिकाकर्ता की कथित खतरे की धारणा को सूचीबद्ध करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करने के लिए पुलिस अधीक्षक को उपयुक्त आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गोवा में 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह के लिए वक्त दिया है। वहीं गोवा कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि पिछले 1.5 साल से स्पीकर के पास याचिका पेंडिंग पड़ी है, लेकिन वे अयोग्यता पर फैसला नहीं ले रहे हैं। वहीं सिब्बल ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर गोवा विधानसभा के स्पीकर को 1 महीने में फैसला करने के निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं इन विधायकों में 3 वर्तमान मंत्री भी शामिल हैं जो पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनाकर की याचिका पर विधानसभा स्पीकर कार्यालय और 10 विधायकों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। वहीं आपको बता दें कि दाखिल याचिका में चोडनकर ने अयोग्यता याचिका लंबित रहने के दौरान इन 10 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोकने के निर्देश देने की मांग की है। साथ ही 3 विधायकों चंद्रकांत कावलेकर, जेनिफर मोन्सेराते और फिलिप रोड्रिग्स को याचिका के लंबित रहने, मंत्री के तौर पर काम करने से रोकने के निर्देश देने की मांग भी की है। इन सभी विधायकों ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वे बीजेपी के साथ चले गए थे। बता दें कि यह याचिका गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने दाखिल की है। जून में मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने विधानसभा स्पीकर को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। याचिका के मुताबिक स्पीकर ने अयोग्यता का फैसला करने के लिए निर्धारित 3 महीने की समय सीमा का उल्लंघन किया है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर न्यायिक अधिकारी बनने के लिए एक बार में कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस को अनिवार्य किए जाने की गुजारिश करेगी। वहीं देश में वकीलों की शीर्ष संस्था बीसीआई ने यह कहा है कि वकील के तौर पर व्यवहारिक अनुभव नहीं रखने वाले ज्यादातर न्यायिक अधिकारी असक्षम और मामलों के निपटारे के लिए अकुशल पाए गए हैं। ऐसे ज्यादातर अधिकारी अशिष्ट पाए गए हैं और बार के सदस्यों और वादियों के साथ अपने बर्ताव में अव्यवहारिक होते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस समय ऐसा नियम है कि कानून से स्नातक कर चुके छात्रों को न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी जाती है। इस परीक्षा के जरिए न्यायिक अधिकारी बनने के लिए बार में प्रैक्टिस का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। साथ ही आपको बताते चले कि वकीलों की शीर्ष संस्था ने कहा है कि सभी राज्य बार काउंसिल के साथ बीसीआई न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के योग्य होने के लिए वकील के तौर पर कम से कम 3 साल का अनुभव निर्धारित किए जाने का पुरजोर समर्थन करता है। बीसीआई ने कहा है कि बार का अनुभव नहीं होना निचली अदालतों में मामलों के निपटारे में विलंबन का प्राथमिक और एक बड़ा कारण है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2002 में बार में 3 साल के अनुभव की जरूरत को एक आदेश के जरिए समाप्त कर दिया था। साथ ही आपको बताते चले कि बीसीआई ने यह भी कहा है कि वो शीर्ष न्यायालय में एक अर्जी दायर कर उस आदेश में संशोधन करने का अनुरोध करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किए जाने के मद्देनजर यह बयान आया है। साथ ही आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2020 की एक अधिसूचना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए ऐसे वकीलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं जिनके पास कम से कम 3 साल के वकालत का अनुभव है। वहीं इस अधिसूचना के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होनी है।
उधर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के सुनवाई के लिए जजों की बेंच का नया रोस्टर लागू हो जाएगा। अलग अलग तरह से मामलों के लिए कोर्ट ने अलग अलग बेंच तय कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि जनहित और पत्र याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस रमना और जस्टिस नरीमन, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नागेश राव की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस कई अन्य तरह के मामलों की बेंच में भी शामिल होंगे। वहीं चुनाव, सामाजिक न्याय और हैबियस कॉर्पस के मामले सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने रखी जाएंगी। वहीं कोर्ट की अवमानना के मामलों पर सीजीआई और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। धार्मिक और चैरिटेबल से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच को दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मध्यस्थता के मामलों में सीजीआई जस्टिस रमन्ना, जस्टिस आरएफ नरीमन, वहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंचों को दिया गया है। वहीं रोस्टर सिस्टम पर चार जजों ने उठाए थे सवाल। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों ने चीफ जस्टिस पर वरिष्ठता को दरकिनार करके मामले आवंटित करने का आरोप भी लगाया था। चारों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि इसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फरवरी 2018 में सब्जेक्ट वाइज रोस्टर सिस्टम की शुरुआत की थी। वहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड ने 10 एप्लीकेशन को तय करने का प्रस्ताव किया है। इसमें शामिल कानूनी मुद्दे समान है। मामला संबंधित मालिकों के रॉयल्टी के बदले में गानों के प्रसारण के लाइसेंस जारी करने से संबंधित है। साथ ही आपको बता दें कि 31 दिसंबर को दिए गए फैसले में निर्णय विशेष रूप से कॉपीराइट अधिनियम 1957 के संशोधन के आधार पर रॉयल्टी का दावा करने के लिए गीतकारों और संगीत रचनाकारों के अधिकारों को मान्यता देता है, जो कि अहम बात है। वहीं इंडियन परफॉर्मर्स राइट सोसाइटी या फिर आईपीआरएस ने कहा है कि दो तरह के रॉयल्टी होते हैं, एक जो ब्रॉडकास्ट से संबंधित होते हैं, दूसरा जो संगीतकार, गायक, गीतकार के हक में जाता है। वहीं 10 एप्लीकेशन कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 31D के तहत म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और अन्य ब्रॉडकास्टर्स ने लाइसेंस की मांग की थी और ट्रिब्यूनल से रॉयल्टी तय करने की मांग भी की गई थी। वहीं फैसला ध्वनि रिकॉर्डिंग के साथ साथ साहित्यिक कार्यों और संगीत कार्यों से संबंध में 2021 के माध्यम से पूरे भारत में रेडियो प्रसारण स्टेशनों द्वारा दे अलग अलग रॉयल्टी दरों में भी स्थापित करता है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एपीएन। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। We'll be right back.